इसमें हमने किचन गार्डनिंग में बेसिकली हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी है कि इसकी वर्डली डेफिनेशन क्या है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनमें वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स, टोमेटो हमारा वेजिटेबल में नहीं लेते, हम उसको फ्रूट कहते हैं, और एंड हर्ब्स जो कि हमारी यूज़ हो रही हैं किचन में, हम उन चीज़ों की कल्टिवेशन करते हैं किचन गार्डनिंग में स्मॉल स्केल पर। ये हमारे इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, नियर टू डन होना चाहिए, लाइक ये हम अपने रूफ टॉप पर भी हम बना सकते हैं, हमारे बाहर लॉन में भी हम अपना किचन गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा किचन गार्डन का साइज़ कितना होना चाहिए और हम उसमें क्या क्या ग्रो करने जा रहे हैं। आगे जो हमारी साइड सिलेक्शन है वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि अगर हम किचन गार्डन बनाना चाह रहे हैं अपने घर में तो उसके लिए हमने जो जगह चूज़ करनी है वो किस तरह करेंगे। गार्डन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमें कुछ गार्डन टूल्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें हम अगर इस तरह होता है कि वेजिटेबल्स के ना सीड काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब किचन गार्डन के लिए अगर करें तो हमें तो बहुत थोड़े चाहिए, तो वो शायद हमें इतने एक्सपेंसिव ना लगे, लेकिन जब हम लार्ज स्केल पर करते हैं तो इस तरह की ट्रेज यूज़ की जाती हैं। एक एक सीड को इसमें ग्रो किया जाता है, इसके अंदर मीडिया डाला जाता है लाइक कंपोस्ट, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो सीड की जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको उस कंपोस्ट में मिलते हैं। और इस एरिया इसे इतनी सी जगह पे हम काफ़ी सारे सीड्स को जर्मिनेट करवा सकते हैं, लाइक ये 105 होल्स हैं आई थिंक इसमें। एक तो ये इससे जगह कम होती है, हमें हमारी एफर्ट कम लगती है, वो थोड़ी जगह पे हम इतने सारे सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं, लाइक अगर हम किचन गार्डन के लिए इस ट्रे को यूज़ करें तो हम अपनी इस ट्रे को डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट थ्री जो लाइन है उसमें हम एक क्रॉप का सीड लगा सकते हैं, अगर नेक्स्ट थ्री लाइन में हम अगली क्रॉप का, उससे नेक्स्ट थ्री में लाइक टोमेटोज, चिलीज, इस सीजन की जो क्रॉप्स हैं। वैसे ये कहना चाह रही थी, यस यस प्लीज स्पीक। मैं ये कहना चाह रही थी कि डिफरेंट एरियाज में जो टाइम ऑफ जो है सोइंग है वो डिफरेंट होता है, लाइक आई एम इन सेम, तो हमारे पास अभी इतनी ठंड नहीं हुई है, और दूसरा ये है कि जो सीडलिंग्स भी मिल जाते हैं, मतलब छोटे नर्सरी प्लांट्स की मिल जाती है, जहाँ पे लोग अभी जर्मिनेशन नहीं कर सकते तो वो नर्सरी ले सकते हैं टोमेटोज की और चिलीज की, और नर्सरी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और स्पेनच वगैरह तो हमारे तो यहाँ अभी लग रही है, स्पेनच भी और कोरिएंडर भी अभी हमारे लग सकता है, प्लांट हो सकता है सिंध में, अभी हमारे पास टाइम है। जस्ट वांटेड टू से दिस।